तो ये मीडिया में शाया होना कि इफ द ऑल द लीडर्स आर कमिंग दे हैव टू ब्रिंग देयर मैंडेटरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, हाउ डू यू सी दैट? That is that, that's a very good question you asked, Pallavi. It is mandatory for the Home Minister and the Prime Minister also to keep his certificate ready. It's not only for us. Everybody who is there, he has to keep his certificate ready. We are safer here than the rest of the country. We are better off here. Let me tell you that. Let me tell the government of India that we are much better off in the state of Jammu and Kashmir than many, many places in the country. So they better keep their certificates ready. हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जून 24 को प्रधानमंत्री के आवास पर एक ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लगभग 14 लीडर्स ने अभी तक कंफर्म किया है कि उन्हें न्योता आया है, और अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं कि एजेंडा पे क्या होगा, किसको लेकर बातचीत की जाएगी। मेरे साथ इस समय अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मुजफ्फर शाह हैं। शाह साहब, सबसे पहले क्या आपको न्योता आया है, क्या आप इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अनऑफिशियली तो आया है, मगर ऑफिशियली अभी नहीं आया है। लेट्स सी कब आएगा। अनऑफिशियली तो बताया, यस। अनऑफिशियली पीएजीडी, क्योंकि आप पीएजीडी का भी हिस्सा हैं और पीएजीडी के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो उमर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम नहीं जा रहे, तो एज्यूम यही किया जा रहा है कि वो जा रहे हैं। क्या फैसला ले लिया गया है, क्या सभी जो जिन जिन लीडर्स को न्योता आया है वो जाएंगे इस मीटिंग में, या फिर वही जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ एक लीडर्स जो हैं एज रिप्रेजेंटेटिव पीएजीडी के वही जाएंगे केवल मीटिंग में? जहां तक पीएजीडी की बात आप कर रहे हैं, हम लोग कल मिल रहे हैं 11 बजे। हम करीब 6-7 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसके, तो उसके बाद में आप जान जाइएगा क्या फैसला हुआ है। अभी 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 द फाइनल डिसीजन इज येट टू कम, आई कैन टेल यू दैट। लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस मीटिंग से? अब काफी टाइम के बाद जो है कहा ये जा रहा है कि डायलॉग का ये प्रोसेस शुरू किया गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने रीच आउट किया है टू द पीपल ऑफ द स्टेट, टू द कश्मीर लीडरशिप, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है, दैट्स ऑलराइट। और अभी उन्होंने जो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह जो कुछ मीट उनकी हुई है शायद आफ्टरनून में, दिन में या सुबह, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम वी आर गोइंग टू टॉक ऑन डिलिमिटेशन एंड ऑन स्टेटहुड एंड और भी ये बाकी एक और चीज, एंड वो लाइन एक टिकर चढ़ रहा है इस पर टीवीज पे कि बट देयर इट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ 370 एंड 35A, सो वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। That's why I said, let not anybody count his chicken as yet. But is that something that you would be okay with, that the conversation happens with Prime Minister and 370 and 35A are not even mentioned? Personally speaking, as the senior vice president of ANC, no, I'm not comfortable with it. What do you think should be the stance that PAGD should take? Ki meeting jab hogi bhi, what would be your point of view? What would you want to present? That is tomorrow. After we finish the meeting, I'll present it in the PAGD forum. I cannot tell you beforehand. Don't, please don't mind that. That's a part of, I have to follow certain code and certain protocol. But how do you see this? कि अब finally जो है कोशिश की जा रही है, और जम्मू कश्मीर से जो list अभी तक देखने को मिल रही है कि former elected chief ministers हैं, former elected deputy chief ministers हैं, और वो लोग जिन्हें लोगों का मैंडेट मिला है, चाहे वो डीडीसी इलेक्शंस में मिला हो, जो चाहे वो किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में मिला है, उन्हें इनवाइट किया गया है। अच्छी बात। सबसे बड़ा मैंडेट पीएजीडी का है थ्रू आउट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो वी विल सी क्या होता है। कल मिल रहे हैं 11 बजे। इट्स जस्ट 12 आवर्स मोर टू गो, और कितना 16 आवर्स मोर टू गो, यू विल नो। बट Let's hope for the best. I can say that. ये भी कहा जा रहा है कि PAGD के ही लीडर्स बैक चैनल से कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करने की, उसी का नतीजा निकला है कि अब फाइनली डिसीजन लिया गया है बातचीत करने का। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत। That's a bundle of lies. No one from PAGD was trying to get in touch. Not at all. For what? For what? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन, आपने लिया 5 अगस्त 2019 को,
आपने कहा पार्लियामेंट में हम स्टेटहुड देंगे, तो इट्स योर जॉब टू गिव द स्टेटहुड बैक, यू हैव सेट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है, व्हाट इज द बिग डील अबाउट? So what is your analysis? Are these talks going to be completely futile, or will something productive come out of it? Well, if they happen in the format that it should be, something good can come out of it. And what format is that? अगर आप सिर्फ मुझे statehood की बातें वहाँ कहेंगे, फिर election, भाई देखिए, आपने पीछे suddenly election का फैसला लिया, क्या हमसे पूछा आपने? 5 दिन के 7 दिन के अंदर अंदर हमको तैयारी करनी पड़ी और फिर भी हमने आपको हरा दिया। 138 सीटें हमने ले ली, और भी 40-50-45 और ली होती अगर हमारे आपस में वो कैंडिडेट्स का मारा मारी नहीं होती और आपके ये इंडिपेंडेंट्स में खड़े होते, एक दूसरे का वो प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव क्रॉस 200 सीट्स। तो अगर आपको इलेक्शन कराना है, आप तो इलेक्शन कमीशन तो अनाउंस कभी भी कर सकता है, जी मैं जुलाई में इलेक्शन कर रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात, अगस्त में करेंगे, नवंबर में करेंगे, उसके लिए तो मीटिंग बुलाने की कोई उसमें कोई मेरे मेरे सोर्स से उसमें कोई सेंस ही नहीं। अगर आपको स्टेटहुड और अपने इस पे क्या बोलते हैं आप इसको इलेक्शंस पे बात करनी है, देयर इज नो पॉइंट इन दिस मीटिंग, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? देन व्हाट कुड बी द केस, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द केस, कि किस वजह से मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या एजेंडा पर होना चाहिए? जो मैं फॉर्मेट देख रहा हूँ या टीवी पे जो मैं देख रहा हूँ, जो मीडिया की तरफ, हो सकता है दिस इज मीडिया स्पेकुलेशन ओनली, ये भी बात हो सकती है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। और कल हम बैठ रहे हैं इस पर पीएचडी के ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डॉक्टर फारूक साहब की सदारत है, आई थिंक घंटा डेढ़ घंटा में द होल थिंग विल बी थ्रैश्ड आउट एंड यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, किसको जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। Is this something that is being pondered upon, that you may decline? Why not? जिस तरीके से invitation भी extend किया गया है और खबरों में भी चल रहा है कि all the leaders who have been invited have been asked to bring a COVID negative test report. How do you see that? Because otherwise also protocol यही है कि जब आप airport पर जाते हैं तो आप COVID की negative report दिखाते हैं, then only you are able to fly. तो ये मीडिया में शाया होना कि इफ द ऑल द लीडर्स आर कमिंग दे हैव टू ब्रिंग देयर मैंडेटरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, हाउ डू यू सी दैट? दैट इज दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड पल्लवी। इट इज मैंडेटरी फॉर द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर आल्सो टू कीप हिज सर्टिफिकेट रेडी, इट्स नॉट ओनली फॉर अस, एवरीबॉडी हु इज देयर ही हैज टू कीप हिज सर्टिफिकेट रेडी। We are safer here than the rest of the country. We are better off here. Let me tell you that. Let me tell the government of India that we are much better off in the state of Jammu and Kashmir than many, many places in the country. So they better keep their certificates ready. But in Jammu and Kashmir, जिस तरीके से आपने कहा कि DDC की elections भी जिस time पर announce की गई थी, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, आप लोगों से नहीं पूछा गया था और केवल announcement कर दी गई थी। We had to give the first list out. हमको याद है जब हम जम्मू आए, 5 ही दिन में हमको कैंडिडेट्स देने थे, 5 डेज इनने दिए हमको। Exactly. तो अब क्योंकि इनविटेशन एक्सटेंड किया गया है, अब क्योंकि इनविटेशन एक्सटेंड किया गया है और अज्यूम यही किया जा रहा है कि बातचीत डिलिमिटेशन और इलेक्शन के ऊपर हो सकती है, डू यू थिंक दैट मींस दैट द अप्रोच इज चेंजिंग? दैट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू से, इट इज देयर अप्रोच दैट इज चेंजिंग, ये उनका मामला है। दे हैव डन समथिंग very very drastic and draconian on 5th August 2019, they have to take care of things, it's for them to set it right. We are talking purely legal and constitutional language that is being branded as communal and anti-India and all that by these some people in the establishment. But nonetheless, that's a part and parcel of this Kashmir, unfortunately, the Kashmir imbroglio, what you call it. So, we will see that. And we hope that the entire country is watching. And people in this country they have shown secular credentials to their hilt. And Jammu and Kashmir has a secular history of 5,000 years old. We are proud of that. Every Hindu, Muslim, Sikh,
in both our Kashmiri Pandit brothers. We are proud of the secular credentials of our Dogra brethren, secular credentials of our state. We are miles ahead of anybody else. Shah, I can say that. जो इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया है इस मीटिंग के लिए, अब जो फारूक अब्दुल्ला है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्हें इन द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इनवाइट किया गया है, जो पीडीपी के अध्यक्ष हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इनवाइट किया गया है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेजेस पीएजीडीज एग्जिस्टेंस? अगर किया होता तो फिर तो जो इन्विटेशन है वो डायरेक्ट पीएजीडी को जाता कि वी वॉन्ट पीएजीडी टू कम एंड टॉक टू अस. डू यू थिंक दैट एग्जिस्टेंस इज बींग एक्नॉलेज्ड? Question is the whether it is Dr. Farooq Abdullah, whether it is Mehbooba Ji, whether it is Tarigami Saab, whether it is Javed Mustafa Mir, whether it is the CPI guy, whether it is myself, whether it is anybody else. We had our respective organizations, and the amalgam of these is the PAGD. So whether you send it direct or indirect, as of now, while I am talking with you, PAGD is PAGD. We fought the elections on PAGD and we won hands down. I told you we would have won minimum 40 to 45 seats more. So do you think agar baatcheet elections par hi hoti hai aur elections hi conduct ki jati hain, tab bhi jo PAGD hai wo ikatthe hi elections ladegi ya tab alag alag khanon mein bant jayegi? Dekhiye, agar ye to hypothetical question hai, magar main aapko jawab bhi hypothetical dunga. But it is loaded. It is a reality. यदि हम as a पूरा जैसे PAGD पीछे मैदान में आया, आइंदा भी जब कभी अगर हम आए वैसे मैदान में, it will be a rout for anybody else. Particularly in Jammu, I can tell you that. Valley को तो छोड़ दीजिए आप. I am telling you in Jammu today. Mark my words. Note this date with your pen and then talk to me. Thank you, Shah Saab, हमारे साथ जुड़ने के लिए. God bless you. Thank you.